नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइकम स्किनर बना और उसी का थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ इक्विटी, कमोडिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फ्यूचर्स का। तो कल सॉरी नेक्स्ट डे के लिए, मतलब मंडे के लिए मैंने ये स्टॉक्स चुना है। मंडे 23 दिसंबर 2019 के लिए मैंने ये स्टॉक्स चुना है, इसका व्यू आप लोग को दूंगा। तो ये आप उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दूंगा, कमोडिटी का दूंगा और फ्यूचर्स का दूंगा। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर देता हूँ और ये बाई सेल लेवल्स देता हूँ और बहुत सारा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को 90% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट दे, मार्केट में प्रॉफिट दे सकता है और बहुत सारा चीज़ एडुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ है। पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर कमोडिटी, सॉरी हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंटरडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और भी बहुत सारा चीज़, कैसे एनालिसिस किया जाता है, वो सब आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा जो आप लोग को ट्रेनिंग में जो मिल जाएगा उधर से, और भी कुछ मिल जाएगा इधर से। तो इसमें इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोग को बेनिफिशियल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं, मैंने एक थोड़ा सा बोलने था हूँ मेरा बाइसेल सिग्नल कम स्किनर और बाइसेल लेवल के बारे में। मेरा बाइसेल लेवल में, मेरा तीनों लेवल बाइसेल लेवल कम स्किनर में तीनों लेवल रहता है, बाइसेल लेवल 1, बाइसेल लेवल 2 और बाइसेल लेवल 3। बाइसेल लेवल 1 और बाइसेल लेवल 3। और इसके अलावा इसमें स्किनिंग का मैं आप लोग पहले पिछले वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी आप लोग को पता चल जाएगा। और इधर कुछ इंडिकेटर्स लगाता है, वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कुछ ईएमआई का क्रॉस ओवर 3, 10, 10, 20, 5, 8, 13। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी वो भी अलग अलग टाइम फ्रेम्स है, और ईएमआई का क्रॉस ओवर और पिवट पॉइंट, प्राइस चैनल, बोलिंजर बैंड, टिरोन लेवल, इसी में कुक्लाउड, एक साथ आप लोग को ये सब मिल जाएगा, बोलिए BWAP और भी कुछ इंडिकेटर्स, प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट 530 एम ए क्रॉस ओवर, 1269 एम ए क्रॉस ओवर, 20 डेज का जो हाई एंड लो है उसका ब्रेकआउट उधर के आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनिंग कर ले सकता है। और इधर इस सीट में आप लोग को बाइसेल लेवल 3 मिलेगा, जिसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों साइड में बाइसेल लेवल लगा हुआ है। क्यों लगा है? क्योंकि अप ट्रेंड जब रिटेस को ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल पे से एंट्री लेना है, अप ट्रेंड नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल पे से, रिटेस को नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड जब नीचे और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल पे फिर से एंट्री लेना सही रहेगा, डाउन ट्रेंड जब ऊपर रिटेस होगा कौन सा लेवल सही रहेगा, और इधर जो सब कौन सा लेवल कौन सा है इधर से आप लोग को क्लियरली दिख जाएगा। और इधर कुछ इंडिकेटर्स भी लगा हुआ है, इधर से आप लोग इधर से आप लोग 100 ई एम ए तक आप लोग स्किनिंग भी कर ले सकता है। और बाइसेल लेवल 3 देता हूँ, जो बाइसेल लेवल 3 में आप लोग को और भी कुछ इंडिकेटर्स मिल जाएगा, 534 ई एम ए क्रॉस ओवर और प्रीवियस डे का क्लोज का हिसाब से, प्रीवियस डे क्लोज का हिसाब से करेंट हाई लो क्लोज का देखिए आप लोग कर सकता है, मतलब स्क्रीनिंग कर ले सकता है। तो आज का देख आप लोग दिखाता हूँ, देखिए बाइसेल लेवल 1 दिखाता हूँ, बाइसेल का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ, सेल का एंट्री लेवल भी बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। और इधर आप लोग को क्रॉस ओवर जब ऊपर और नीचे ओपन होगा तो आपको अगला देखना है, अगला देखना है, अगला लेवल देखना है। सोच लीजिए 465.47 से 466, मतलब सोच लीजिए 465.80 या 466 में ओपन हुआ तो 466 के ऊपर देखना है, ऐसे करके आप लोग को समझ लेना है कौन सा एंट्री का लेवल आप लोग को देखना है। और ये देख के आप लोग काम करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये काम करता है। मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियो देख लीजिए और भी समझ में आ जाएगा, मैंने चार्ट ओपन करके कैसे अगला दिन का मैच किया है, ये वैसे लेवल 2 कैसे अगला दिन का मैच किया है वो दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, सही तरह से कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है। और ये है वैसे लेवल 3 और इसका पिवट पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकता है, इसका
बोलिंजर बैंड प्राइस चैनल आप लोग देख लिख सकता है, वन डे डेली चार्ट में आप लोग देखेंगे तो इसका आप लोग समझ जाएगा कि ये सही रहता है। और इधर मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को हर रोज़ दिखा देता हूँ। इधर दिखाने के बाद हर रोज़ जब मार्केट क्लोज होता है तब आप लोग को दिखा देता हूँ कि इतना सा मैच किया है और कैसे कौन सा लेवल पे वो परफॉर्मेंस वाला वीडियो आप लोग जब देखेंगे, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है और बैंक निफ्टी इंडेक्स है, परफॉर्मेंस वाला वीडियो आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग को मालूम हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है। वैसे लेवल टू और ये वैसे लेवल थ्री, लेवल पे ये सब दिखाना देख लिया आप लोग। और उसके बाद कमोडिटी दिखाता हूँ, कमोडिटी कमोडिटी का वैसे लेवल वन वैसे लेवल टू आप लोग पॉज करके देख लेना ज़रा, और वैसे लेवल थ्री वैसे पिवट पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकता है बोलिंजर बैंड का। और ये प्राइस चैनल आप लोग अच्छी तरह से, ये भी बहुत काम का चीज़ है, प्राइस चैनल और टिरन लेवल ये दोनों आप लोग, ये टिरन लेवल है इसका वैल्यू आप लोग नोट कर सकते हैं, तीनों का लेवल मिडिल लाइन टॉप लाइन बॉटम लाइन के आप लोग मतलब बाइसल का एंट्री आप लोग बना सकता है। और इधर और भी कुछ बाकी रहेगा इसको दिखा देता हूँ, पर्टिकुलरली ये प्राइस चैनल और टिरन लेवल भी आप लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत काम का चीज़ है। और फ्यूचर्स का कुछ दिखा देता हूँ, ऐसे ही फ्यूचर्स में आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाइस लेवल वन ही दिखाता हूँ। और मैंने देखिए कल का मैंने जो बाइस लेवल दिया था, कल का जो बाइस लेवल दिया था उसको मैंने डाउनलोड करके रखा है, उसको मैंने डाउनलोड कर मैंने ये दिखाने के लिए आप लोगों को एक मिनट उसका कल का जो मैंने लेवल दिया था उसको तो मैंने परफॉर्मेंस दिखा दिया, तो कमोडिटी का आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए आप लोग पैसे लेवल वन में यूज़ करते हैं तो क्रूड ऑयल का 4356 मतलब 4356 बाई का लेवल था, तो इसमें देखते हैं चार्ट में एक बार पैसे लेवल, ये क्रूड ऑयल ओपन हुआ था 4360 के ऊपर, तो आप लोग को ऊपर एंट्री लेना लेने का मौका नहीं मिलता था 5-6 के ऊपर, पहले तो ओपन होने के बाद मौका नहीं मिलता था, उसके बाद जब 5-6 के ऊपर गया था ये 63-64 के ऊपर आप लोग को प्रॉफिट दे सकता था। तो उसके बाद जब नीचे का लेवल आया था, नीचे का लेवल इसका आया था 4341 के नीचे, 4341 के नीचे इसका जब नीचे का लेवल आया था, तो देखिए इधर नीचे का लेवल इस इधर 43 इधर से आप लोग को मिल जाता था, इधर से आप लोग को मिल जाता था, तो पहले तो ये 31 तक आया था, पहले तो आप लोग 41 से 31 को मिल जाता था, उसके बाद आप लोग इधर इधर जब 31 जब तोड़ता था तो और भी आप लोग को 4276 तक आ जाता था। और ये आप लोग वैसे लेवल 3 यूज़ करते थे तो क्या होता था, 3 यूज़ करते थे तो इसको 4408 मतलब से बाई का एंट्री लेवल नहीं आता था, सॉरी ये शायद हाँ ये कल का लेवल ही है, वैसे लेवल 4408 उसके बाद 4335 से आप लोग को एंट्री मिल जाता था। मैंने और ये जो मेरा चार्ट का सेटअप है इसमें से आप लोग को लाइव मार्केट में भी आप लोग को टाइम टू टाइम जब अपडेट कर देता हूँ तो आप लोग को और भी अच्छी तरह से प्रॉफिट आ जाता है। तो इसमें आप लोग को मैंने मेरा जो पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग ज्वाइन होकर देख सकते हैं।